तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली। बताना नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने होली मनाया कि नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी भाई ख्याल रखा कि नहीं, ये जरूर बताना, क्योंकि मैंने तो रखा है। मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिला, बट अपने फैमिली में अपने बच्चों के साथ खेला, और मतलब भाई बहन, मेरे खुद के बच्चे नहीं, अभी मैं बहुत यंग हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कलर ओएस। यस, जब भी हम लोग कोई बड़ा अपडेट करते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड 9 टू एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 10 को एंड्रॉयड 11 का जो बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो ये जो अपडेट होने के बाद हमारा फ़ोन में इतना सारा जो बग सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, फ़ोन हैंग होने लगता है, हीटिंग इशू यार, फ़ोन का बैटरी जल्दी ड्रेन हो लगता है। तो अभी तक किसी तरह कोई ऑफिशियल आंसर कोई बड़े कंपनी ने नहीं दिया था, जैसे कि कलर ओएस ने। तो कलर ओएस खुद भी एक कंपनी है भाई, जो ओप्पो के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, आप सभी लोगों को पता है। बट यहाँ पर खुद आज कलर ओएस के डेवलपमेंट इंजीनियर चौहान ने जो इस बात को क्लियर किया और ये बताया है कि क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे फ़ोन में, और इसका क्या सॉल्यूशन है, और ये जो प्रॉब्लम्स है कब तक फिक्स हो जाएंगे एक बड़े अपडेट करने के बाद। तो पहले आप इस वीडियो को देख लो जो कलर ओएस ने खुद हम लोगों के लिए बनाया है और इस बात ने एक्सप्लेन किया। तो पहले आप इस वीडियो को देख लो ध्यान से, और इस वीडियो को देखने के बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। First of all, we are sorry for any issues on the beta and the official version due to large-scale update and reconstruction of the entire operating system. A series of background learning is required for better optimization. In this case, conditions like abnormal power consumption, overheating will only happen for a short period of time, which will be restored after a period of regular use. Users can rest assured that the OS experience will be getting better. We are grateful for every feedback from the users. The continuous support from users will contribute to a better version of ColorOS. तो दोस्तों इस वीडियो में जो कलर ओएस के डेवलपमेंट इंजीनियर है वो यही समझाना चाहते हैं कि जब आपका फ़ोन को आप एंड्रॉयड 10 टू एंड्रॉयड 11 अपडेट करते हो, या कहा जाए तो कलर ओएस 7 टू कलर ओएस 11, तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स एंड फीचर्स चेंज हो जाते हैं। मतलब एकदम आपका फ़ोन नया ही बन जाता है, कुछ डिफरेंट लेवल का ही ओएस आ जाता है, जिसके कारण फ़ोन एक बार में इतना सारा अपडेट और इंटरफेस एंड ऐप इंटरफेस काफ़ी कुछ चेंज करने के चलते वो नहीं झेल पाता है। बहुत सारा लोड तो वो ले लेता है, फ़ोन को चलाने के लिए लाइक कैपेबल है, बट फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो नहीं झेल पाता है। एंड जब वो नहीं झेल पाता है तो ऑटोमेटिक बग्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड आपका फ़ोन वही सारे बग्स जो आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन इशू स्टार्ट कर देता है, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपके फ़ोन को नॉर्मली यूज टू बनाने के लिए आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल से 1 या 2 देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 1-2 OTA अपडेट नहीं आएंगे बड़ा मेजर अपडेट करने के बाद, तब तक ये प्रॉब्लम्स को फिक्स किया नहीं जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा भाई, क्योंकि एंड्रॉयड 10 टू एंड्रॉयड 11 में गए हैं, तो आपको एंड्रॉयड 11 को स्टेबल करने के लिए 2-3 OTA अपडेट जब आप कर लेते हैं, 1-2 बिता लेते हैं, तो आपका फ़ोन पुराना हो जाएगा, फिर आपको भी हैबिट हो जाएगा एंड्रॉयड 11 का, एंड आपका फ़ोन भी बिल्कुल स्टेबल कर दिया जाएगा OTA अपडेट देकर। मैंने भी भाई एंड्रॉयड 10 में बहुत सारे प्रॉब्लम झेले हैं जब मैं कलर ओएस 6 टू कलर ओएस 7 अपडेट किया, बट मैंने अभी प्रॉब्लम भाई 3 महीने में ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था। तो आपका ये प्रॉब्लम जो भी है 2-3 महीने में फिक्स हो जाएगा, तो हाँ भाई थोड़ा सा टाइम दो, नए नए अपडेट्स का वेट करो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।